हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है बटाटा पोहा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मूंगफली फ्राई कर लेंगे, यानी कि सिंगदाना। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे स्लो स्लो भूनेंगे, तभी अंदर से क्रिस्पी होगा। आप सुन सकते हैं अपनी मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, आवाज भी आने लगा है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हम इस धरनी से टेढ़ा करते हुए प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी में डालेंगे दो चम्मच मस्टर्ड सीड। सीड को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसी में डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। तो ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, आपके अनुसार डालिए। तीखा हो तो कम डालिए। 10 से 15 हम कड़ी पत्ता डाल लेंगे। कड़ी पत्ता, मिर्च अच्छे से भून जाना चाहिए, यानी कि ये आधी मिनट में भून जाता है। कड़ी पत्ता भून चुकी है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि इसे गलाना नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे एक आलू, जिसे हम बहुत छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। बच्चों को बटाटा तो हम बहुत पसंद है और इसमें बटाटा जो बारीक है उसका तो है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, यानी कि बटाटा अपनी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, यानी कि आलू कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो इसे हम कवर करके पका लेंगे। जब तक अपनी आलू पक रही है, तब तक हम पोहा धो लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पाव पोहा ले रखा है, जिसे साफ कर लिया है। अब हम झरनी में ही पानी गिराते हुए अपनी पोहा को धो लेंगे। आप देख सकते हैं हमने पोहा को धो लिया है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और इसका जो डस्ट है पानी में निकल गया है। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, चलते हैं अपनी सब्जी चेक करने। चलिए हम अपना आलू चेक करेंगे। हल्का हल्का सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा और करेंगे। नमक मिर्च डालने के बाद सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, यानी कि स्वाद के अनुसार आप डालिए। 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं और हमने हरी मिर्च डाला है, इसके लिए 1/2 चम्मच ही हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। मसाला डालने के बाद हम फिर से इसे 1 मिनट तक पका लेंगे, तो अपनी आलू भी गल जाएगी और मसाला भी पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी आलू जो है सॉफ्ट हो चुकी है। बस ऐसे ही सॉफ्ट करना है, ज्यादा गलने नहीं देना है। इस स्टेज पे हमने जो ये पोहा धो के रखा है उसे डाल लेंगे। तो ये बिल्कुल फरारा सा है, पानी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही हम सभी पोहे को डाल देंगे। हम पोहे को हल्के हाथों से अपना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना सुंदर कलर आया है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे अपना पोहा मिक्स कर लिए हैं। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शक्कर, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और उसी के ऊपर हम डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस और साथ में हमने जो ये फ्राई किया हुआ मूंगफली रखा है उसे भी डाल लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुका है, फाइनली अपनी पोहा तैयार है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलिए प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो हम धीरे से अपना पोहा उठाएंगे और सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया अपना पोहा बना है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा सेव से गार्निशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा बटाटा पोहा कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है और इसे हम एक स्पून से गर्मा गर्म खाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।